अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज है अब हम लर्न करेंगे स्प्लंक क्रिएट एंड ओवरले चार्ट। लेट्स स्टार्ट विद द सर्च रनिंग एंड डिस्प्ले द रिजल्ट एज अ चार्ट। फर्स्ट है यहाँ पे जो है वो स्टार्ट किया गया न्यू चार्ट। सेकंड है जिसमें आप जो है वो चेंज कर रहे हैं टाइम रेंज टू ऑल टाइम इन अ टाइम। थर्ड है जिसमें रन कर रहे हैं फॉलोइंग ईच कमांड इन अ सर्च बार में, जिसमें पुट किया गया सोर्स टाइप इज इक्वल टू एक्सेस, स्टेटस पुट किया गया, उसके बाद यहाँ पे स्टैट्स काउंट एज व्यू काउंट पर इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया कमांड जो है वो यहाँ पर रन कर रहे हैं सर्च बार में। इसके बाद जो है फोर्थ है जिसमें पुट किया गया व्यू टू परचेज एरिया, जो कंपेयर कर रहा है नंबर ऑफ क्लाइंट्स को जो देख रहे हैं प्रोडक्ट टू द नंबर ऑफ क्लाइंट्स हु बोर द प्रोडक्ट। द रिवोकिंग रिटर्न्स अ नंबर। कार्ट टू परचेज एरिया कंपेयर कर रहा है नंबर ऑफ कस्टमर्स हु एड द प्रोडक्ट टू द नंबर ऑफ कस्टमर हु बोर द प्रोडक्ट इन द कार्ट्स। द रिवोकिंग रिटर्न्स अ नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। यहाँ पे आप देखेंगे न्यू सर्च है जिसमें यहाँ पे स्टैट्स है ओपन किया गया, इसमें प्रोडक्ट का नेम पुट किया गया, उसके बाद जो देख रहे हैं वो बताया गया, ऐड टू कार्ट जो ऐड कर रहे हैं, उसके बाद जो परचेज कर रहे हैं वो बताया गया, जो व्यू कर रहे हैं परचेज और यहाँ पे ऐड टू परचेज कर रहे हैं, कार्ट टू परचेज यहाँ पे सारा मेंशन किया गया। विजुअलाइजेशन क्लिक करना आपने विजुअलाइजेशन पे, इसमें आप देख रहे हैं टू व्यूज टू परचेज कार्ट टू परचेज। यहाँ पे विजुअलाइजेशन पे आपने क्लिक करना, यहाँ पे देखे कि जो लोग जो है वो कार्ड टू परचेज कर रहे हैं, जो व्यू कर रहे हैं परचेज भी, ये सारी चीजें मेंशन की गई विजुअलाइजेशन में। यहाँ पर अगेन जो आपको किया गया फॉर्मेट द एक्स एक्सिस लेबल्स, यहाँ पुट किया गया एक्स एक्सिस लेबल जो है वो गेट ट्रंकेटेड है, और लेबल जो है वो ट्रंकेटेड होते हैं बिकॉज देर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स मेकिंग देम डिफिकल्ट टू रीड, लेट्स जस्ट फिक्स दिस। फर्स्ट जो है वो आपने क्लिक करना है फॉर्मेट एंड एक्स एक्सिस। स्प्लंग में जो है वो लेबल रोटेशन के लिए आप सेलेक्ट कर रहे हैं सेकंड ऑप्शन इन अ लिस्ट ऑन विंडोज पे, तो ये देखिए पुट किया गया जिसमें आप जो है फॉर्मेट पे आपने क्लिक करना है एक्स एक्सिस है, उसके बाद यहाँ पे जो है वो पुट करना है जिसमें टाइटल पुट किया गया, लोकल लेबल रोटेशन पुट की गई और यहाँ पे यस नो का रिप्रेजेंट किया गया रोटेशन। अगेन जो है उसके बाद आपने क्लोज करना है फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स इन योर विंडो। फोर्थ है जिसमें नोटिस कर रहे हैं चेंज कर रहे हैं लेबल्स में ऑन द एक्स एक्सिस ऑफ द चार्ट, यहाँ पे जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, ये जो है वाई एक्सिस है और ये जो है नीचे एक्स एक्सिस जो है इसको रिप्रेजेंट किया गया। फॉर्मेट वाई एक्सिस वैल्यूज एंड ऐड टू टाइटल और टू इट, क्लिक करना है फॉर्मेट एंड वाई एक्सिस, और सेकंड है जिसमें टाइटल के लिए चूज करना है कस्टम एंड टाइप एक्शन। थर्ड है जिसमें इंटरवल टाइप 500 पुट किया गया फॉर मैक्सिमम के लिए, और यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस है जिसमें टाइटल पुट किया गया और उसके बाद स्केल पुट किया गया लीनियर इंटरवल मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू और टाइप वैल्यू जो है 25,000 मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है। यहाँ पुट किया गया एफ क्लोज बॉक्स जिसमें वाई एक्सिस वैल्यू पुट की गई है, ये देखिए वाई एक्सिस वैल्यू और नीचे जो है वो एक्स एक्सिस वैल्यूज है। फॉर्मर द सेकंड ए वाई एक्सिस यहाँ पुट किया गया, इसमें यहाँ पे देखें फॉर्मेट एंड चार्ट ओवरले टू एड्रेस द प्रॉब्लम, इसमें हम जो है वो ओवरले कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं वन सेट ऑफ वैल्यूज ओवर अनदर सेट ऑफ वैल्यूज जो सेपरेट कर एक्शंस फ्रॉम द कन्वर्जन रेट्स को। एग्जाम्पल पुट की गई है और वी ओवरले द कन्वर्जन लेवल्स ओवर द एक्स एज लाइंस वी विल रिमेन एज कॉलम्स। स्टेप टू है जिसमें आप प्रेस कर रहे हैं इनसाइड द बॉक्स फ्रॉम ओवरले, स्टार्ट एंड पिक करना है व्यूज टू परचेज, क्लिक करना है अगेन इनसाइड द बॉक्स एंड चूज करना है कार्ट टू परचेज। ये डिस्क्राइब किया गया टू सीरीज जिसमें आप चाह रहे हैं जो है पुट किया गया कॉलम मैप टू एड ऑन इट। थर्ड है व्यू फॉर व्यूज एज एक्सिस, क्लिक ऑन फॉर टाइटल के लिए पुट किया गया ओवरले व्यूज एज एक्सिस, टाइटल पुट किया गया, स्केल इंटरवल मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू नंबर ऑफ एब्रीविएशंस यहाँ पुट किया गया चूज कस्टम में। फिफ्थ है टाइप पुट की गई है कन्वर्जन रेट्स और फॉर स्केल क्लिक लीनियर, उसके बाद जो है इंटरवल टाइप पुट की गई है 20, फॉर द मैक्सिमम वैल्यू टाइप 100। ये क्लोज करना है डायलॉग बॉक्स ऑन फॉर्मेट पे, रिमेम्बर द कन्वर्जन रेट्स अब नो अपीयर द चार्ट एज लाइंस, यहाँ पे जो पुट किया गया एक्स एक्सिस और यहाँ पे देखे वाई एक्सिस जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया, नीचे जो है वो एक्स एक्सिस है। सेव द रिवाइज चार्ट एज अ रिपोर्ट, क्लिक करना आपने सेव पे और यहाँ पे जो है वो रिपोर्ट जो है वो सेव हो जाएगी। फॉर द टाइटल टाइप कंपेरिजन ऑफ एक्शन एंड कन्वर्जन रेट्स बाय प्रोडक्ट्स प्लीज सी द सेव रिपोर्ट एज डायलॉग बॉक्स। इसके बाद यहाँ पुट किया गया सेव क्लिक पे जो है वो आपने क्लिक करना जिसमें आप कन्फर्मेशन डायलॉग बॉक्स जो है ओपन हो जाएगा, इसमें आप जहां देखें ऑल टाइम पुट किया गया, ये जो है वो कन्फर्मेशन बॉक्स है जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं रिपोर्ट्स वगैरह क्लिक करके।
क्रिएट अ रिपोर्ट फ्रॉम अ कस्टम चार्ट, ये जो है एग्जाम्पल पुट की गई है। वी बिल्ड अ रिपोर्ट विद चार्ट्स द प्रोडक्ट्स दैट हैव बीन परचेज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दिस एग्जाम्पल क्रिएट्स एंड कस्टमाइज अ चार्ट यूजिंग द टाइम चार्ट कमांड एंड चार्ट ऑपरेशन। यहाँ पे जो है मेंशन किया गया स्टेप बाय स्टेप, स्टार्ट करना न्यू सर्च, सेकंड है चेंज करना टाइम रेंज टू ऑल टाइम, थर्ड है रन करनी है फॉलोइंग कमांड जिसमें पुट की गई है सोर्स ड्राइव वगैरह, ये देखे जिसमें यहाँ पुट किया गया स्टेट्स को, और यहाँ पे टाइम मेंशन किया गया, उसके बाद ड्रीम या क्रेशर पुट किया गया, और उसके बाद जो है पुट किया गया फाइनल सेगमेंट, उसके बाद जो है फाइनल सीक्वेंस पुट किया गया, उसके बाद यहाँ पुट किया गया प्रोविंस वगैरह और फायर रेसिस्टेंस वगैरह, उसके बाद होली बैच। इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते काफी सारी जो है वो एग रोज वगैरह क्रिएट की गई है। इसके बाद क्लिक करना विजुअलाइजेशन टैब ऑप्शन और चेंज कर रहे हैं चार्ट टाइप और टू अ लाइन चार्ट टाइप इन अ चार्ट ऑप्शन। यूज करना है आपने फॉर्मेट ड्रॉप जिसमें एक्स वाई एक्सिस जो है पुट किया गया फॉलोइंग चार्ट में, ये विजुअलाइजेशन जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रीम कस्टमर ये सारी चीजें इसमें मेंशन की गई है। लिस्ट ऑफ टेबल है जिसमें आप चेंज कर रहे हैं चार्ट को, ये चार्ट चेंजेस पुट की गई है। सेटिंग ऑन वैल्यू चार्ट टाइप लाइन है, एक्स एक्सिस कस्टम टाइटल डेट, यहाँ पे जो है वो एक्स एक्सिस लेबल्स -45 डिग्री एंगल, ये सारी चीजें यहाँ सेटिंग एंड वैल्यू जो है रिप्रेजेंट की गई जिसमें आप देख सकते हैं। क्लिक करना है सेव एज रिपोर्ट, उसके बाद जो है वो सेव रिपोर्ट एज डायलॉग के बॉक्स में आपने जो है वो सेव करनी है। टाइटल टाइप के लिए प्रोडक्ट परचेज ओवर टाइम जो है रिप्रेजेंट किया गया। डिस्क्रिप्शन के लिए टाइप जो है नंबर ऑफ परचेज फॉर ईच प्रोडक्ट। कस्टमर कॉन्टेंट के लिए लाइन चार्ट एंड स्टैटिक टेबल जो है वो रिप्रेजेंट किया गया, सिलेक्ट करना है फर्स्ट ऑप्शन को। टाइम रेंज पिकर के लिए कीप द डिफॉल्ट सेटिंग यस, सेव क्लिक पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं शो किया गया टैब जिसमें कंफर्मेशन डायलॉग विंडो जो है इस तरीके से ओपन हो जाएगी प्रोडक्ट की। क्रिएट अ रिपोर्ट फ्रॉम अ स्पार्क लाइन चार्ट, हम जो है बिल्ड कर सकते हैं रिपोर्ट इन दिस एग्जाम्पल जिसमें शो किया गया ट्रेंड्स इन द नंबर ऑफ ट्रांसैक्शन मेड ओवर टाइम। यूज करना है स्पार्क लाइन चार्ट इन दिस एग्जाम्पल। स्पार्क लाइन जो है वो इनलाइन चार्ट्स होते हैं जो अपीयर कर रहे हैं सर्च रिजल्ट टेबल को, जो डिजाइन कर रहे हैं शो कर रहे हैं टाइम बेस्ड ट्रेंड्स को एसोसिएटेड विद ईच रो प्राइमरी की। इसमें हम ऐड कर सकते हैं स्पार्क लाइन चार्ट्स को रिजल्ट टेबल से फ्रॉम सर्चेस के लिए, जिसमें आप यूज कर रहे हैं स्टैट्स एंड चार्ट्स कमांड। इस एग्जाम्पल में आप यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट नेम फील्ड इन दिस ट्यूटोरियल सेक्शन, इनेबल कर रहे हैं फील्ड लुकअप्स, और यहाँ पे आप जो है कन्फिगर नहीं कर सकते लुकअप एरिया को। सर्च इन दिस सेक्शन विल नॉट प्रोड्यूस द करेक्ट रिजल्ट्स। स्टार्ट करना है न्यू सर्च के साथ, सेकंड है सेट किया गया टाइम रेंज टू ऑल टाइम, थर्ड है रन किया गया फॉलोइंग सर्च जिसमें कमांड जो आउटपुट की गई है, सेम प्रोसीजर है। यहाँ पे आप देखें कैटेगरी जो आउटपुट की गई है एक्सेसरीज, उसके बाद जो है वो आर केयर शूटर, इस तरीके से यहाँ पे स्पार्क लाइन चार्ट जो है वो रिप्रेजेंट किया गया। इसमें आप यहाँ पे देखें प्रोडक्ट परचेज ट्रेंड जो है अप एंड डाउन जो है वो हो रहे हैं। इसके बाद जो है वो क्लिक करना है सेव एज ऑप्शन में और सेलेक्ट करना है रिपोर्ट इन दी विंडो पे। फिफ्थ है सेव रिपोर्ट जिसमें एज डायलॉग के बॉक्स में आप सेव कर रहे हैं। फोर टाइटल टाइप पुट की गई है परचेजिंग ट्रेंड्स। सिक्स है डिस्क्रिप्शन के लिए टाइप पुट की गई है काउंट ऑफ परचेज विद ट्रेंड्स। सेवन जो है वो आपने क्लिक करके जो है वो सेव करना है। एट है जिसमें कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स पुट किया गया, क्लिक करना व्यू परचेजिंग ट्रेंड्स पुट किया गया जिसमें कैटेगरी एंड परचेजिंग ट्रेंड्स, और यहाँ पर टोटल नंबर जो है वो रिप्रेजेंट किया गया स्क्रीन पर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज एवरीवन।